यह है आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट यानी एनडीटी टेस्ट का पार्ट वन जिसमें हम बात करेंगे मेच्योरिटी टेस्ट ऑफ कंक्रीट इस टेस्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, है और ये टेस्ट कैसे करते हैं और साथ में इससे रिलेटेड एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हम सब के बारे में आज जानेंगे और इसके अलावा भी ऐसे बहुत से टॉपिक्स टॉपिक जिसपे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है उससे रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जरूर देख लीजिएगा वीडियो स्टार्ट हो और आप इसकी भावनाओं में खो जाए इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि जितने भी स्टूडेंट मेरी वीडियो देखते हैं उसमें से लगभग 90 परसेंट

non destructive test method of inspecting testing or evaluating materials components or assemblies without destroying the serviceability of the part of system समझ में आया नहीं ना तो अंग्रेजी को मारो गोली और हिंदी में समझो देखो एक्चुअली होता क्या है जब आप लैब में टेस्ट करते हो चाहे वो कंप्रेसिव टेस्ट हो या टेंसाइल टेस्ट हो तो उसमें आप अगर बीम आपने कास्ट किया या कोई भी आपने एक नॉर्मल पार्ट कास्ट किया तो जब आप उसकी टेस्टिंग करते हो तो वो पूरा पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है ठीक है है ये पूरा पार्ट खराब हो जाता है। लेकिन मान लीजिए आपको किसी बिल्डिंग का आपको टेस्ट करना है इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण करना है या उसके मेटेरियल के बारे में जानना है कि कैसा मेटेरियल यूज हुआ है तो क्या पूरे बिल्डिंग को तोड़ेंगे नहीं ना आप क्या करेंगे कुछ ऐसा टेस्ट करेंगे जिसकी वजह से आपकी बिल्डिंग बची भी रहे और आपको पता चल पाए कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है ड्यूरेबिलिटी कितनी है और इंस्पेक्शन भी आपका हो जाए और ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का ही एक पार्ट है मेच्योरिटी टेस्ट ऑफ कंक्रीट आज हम इसी के बारे में बात करेंगे मेच्योरिटी टेस्ट ऑफ कंक्रीट एनडीटी

स्ट्रेंथ ऑफ़ कंक्रीट डिपेंड्स ऑन द टाइम पीरियड ऑफ क्यूरिंग एंड टेम्परेचर और आपका जो ये मेच्योरिटी टेस्ट होता है ये टेम्परेचर का चेंज टाइम के अकॉर्डिंग कितना हो रहा है यानी जब टाइम बढ़ेगा तो टेम्परेचर धीरे धीरे चेंज होगा तो उसी पर बेस्ड है और इस चीज़ पर बेस होने का कारण इसका यह है कि आपका जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम तक क्यूरिंग करते हो और उसका टेम्परेचर क्या है तो इन पर डिपेंड करता है इसी वजह से मेच्योरिटी टेस्ट जो है वो बेस है आपका टम्परेचर एंड टाइम पर अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंट की तो मेचोरिटी मीटर यूज किया जाता है मेचोरिटी टेस्ट के लिए रिकॉर्ड टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ठीक है टाइम के फंक्शन पर वो टेम्परेचर को रिकॉर्ड करता है क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि किस पर बेस है टाइम एंड टेम्परेचर तो उसी चीज को ये मेजर करता है बोथ लेबोरेटरी एंड फील्ड टेस्ट इस टेस्ट को फील्ड या लैब दोनों में किया जा सकता है स्ट्रेंथ इज फंक्शन ऑफ सम

18 डिग्री माइनस इन ब्रैकेट में माइनस इलेवन डिग्री में टेम्परेचर माइनस इलेवन कैसे किया क्यों किया है है इसे आप आप ऐसे समझ सकते हैं कि कि अगर आप तो यहां पर हमने बताया है कि आपका जो hydration होता है, वो minus 11 degree से start हो जाता है ठीक है और प्रेजेंट में आपका टेम्परेचर कितना है अट्ठारह डिग्री सेंटीग्रेड तो बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है टेम्परेचर डिफरेंस एटीस माइनस इलेवन डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि कितना हो गया ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड भाई अगर आप नॉर्मल

19488 डिग्री सेंटीग्रेड आवर मैच्योरिटी ऑफ फुल्ली क्योरड कंक्रीट 19800 डिग्री सेंटीग्रेड आवर आप ये याद रखेंगे कि फुल्ली क्योरड कंक्रीट का जो मैच्योरिटी होता है वो 19800 डिग्री सेंटीग्रेड आवर होता है टेकन एज इन स्टैंडर्ड कैलकुलेशन स्टैंडर्ड कैलकुलेशन में हम यही लेते हैं तो इसे आप याद भी रखेंगे अब आप ये मत सोचना कि ऊपर वाली कैलकुलेशन में वन नाइन फोर डबल एट है और यहां वन नाइन एट जीरो जीरो है तो यहां पर वैल्यू को थोड़ा बहुत कैलिब्रेट करके एक फुल्ली क्योर्ड कंक्रीट की मेच्योरिटी आपकी बता दी गई है ठीक है स्ट्रेंथ एट एनी मेच्योरिटी एज ए परसेंटेज ऑफ स्ट्रेंथ एट मेचोरिटी ऑफ मान लीजिए आपने किसी कंक्रीट सैंपल का मेच्योरिटी निकाल लिया ठीक है कि इतना है अब आपको ये पता करना है कि उस मेचोरिटी पर कितना परसेंटेज स्ट्रेंथ है कितना परसेंट ऑफ स्ट्रेंथ उसने गेन कर लिया है तो उसके लिए एक फार्मूला है फार्मूला क्या है परसेंटेज स्ट्रेंथ इज इक्वल टू ए प्लस बी टेन मेच्योरिटी अपॉन थाउजेंड तो इस फॉर्मूले से उस मेच्योरिटी पर कितना परसेंट ऑफ स्ट्रेंथ गेन कर लिया है इस चीज को आप फाइन कर लेंगे यहाँ पर ए और बी क्या है ए एंड बी आर प्लाउमेन कॉफिशियन फॉर मेच्योरिटी इक्वेशन एंड ए एंड बी डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ लेवल ऑफ कंक्रीट

अब सबमिशन का मतलब ये होता है कि यहां पर डे और नाइट दोनों में टेम्परेचर अलग अलग है तो इसी वजह से हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे सेवन इंटू ट्वेल्व ट्वेंटी फाइव माइनस माइनस इलेवन प्लस सेवन इंटू ट्वेल्व ट्वेंटी माइनस माइनस इलेवन डिग्री सेंटीग्रेड पूरी कैलकुलेशन में मैंने ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व क्यू कर रखा है क्योंकि आप सभी जानते हैं एक दिन में चौबीस घंटे होते हैं और जब उसने बोला है कि ट्वेंटी फाइव डिग्री पर हमने डे में रखा और ट्वेंटी डिग्री पर नाइट में रखा तो इसका मतलब बारह घंटे वो ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड पर रहा होगा और बारह घंटे बीस डिग्री सेंटीग्रेड पर इसी वजह से इन दोनों को हमने अलग अलग किया और उसे फिर सबमिशन कर लेंगे जोड़ लेंगे ठीक है इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली हमारा आ जाएगा फाइव सिक्स टू एट डिग्री सेंटीग्रेड आवर ठीक है इसका यूनिट रहेगा डिग्री सेंटीग्रेड आवर क्योंकि हमने 12 आवर लिया था। अब आप सभी जानते हैं कि एक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है प्रेजेंटेट स्ट्रेंथ इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इनटू लॉग 10 मैचोरिटी अपॉन 1000। ठीक है, तो यहाँ पर हम सभी वैल्यूज़ रखेंगे। A 32 plus B 54 into log कितना था 5, 6, 2, upon 1000. अब जब आप इस तामझाम को सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा परसेंटेज इसका मतलब यह है कि जब आपका कंक्रीट फुल्ली मेच्योर था तो उसकी स्ट्रेंथ फोर्टी मेगा पासकल थी तो इस टाइम जब उसकी मेच्योरिटी फाइव सिक्स टू एट है तब उसका स्ट्रेंथ कितना होगा तो उसका स्ट्रेंथ कितना होगा चालीस का सेवेंटी सिक्स पॉइंट थ्री फाइव परसेंट जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है ठीक है तो आपका सात दिन बाद स्ट्रेंथ कितना बचेगा फोर्टी इंटू सेवेंटी सिक्स पॉइंट थ्री फाइव अपॉन हंड्रेड तो ये कैलकुलेट होकर आ जाएगा थर्टी पॉइंट फाइव फोर मेगा पासकल यानी कि इस मेच्योरिटी पर उसकी स्ट्रेंथ कितनी है थर्टी पॉइंट फाइव फोर मेगा पासकल आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर किसी कंक्रीट का टेम्परेचर ट्वेंटी वन डिग्री सेंटीग्रेड है और उसे अट्ठाईस दिन तक क्योर किया जाए तो उसकी मेच्योरिटी कितनी होगी तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है कमेंट कीजिए चलिए अब जानते हैं कि इस टेस्ट को प्रैक्टिकली कैसे करते हैं प्रिपेयर 15 सिलेंड्रिकल कंक्रीट स्पेसिमेन सबसे पहले हम कंक्रीट के 15 सिलेंडर तैयार करेंगे कनेक्ट मेचोर डिवाइस एंड मेजर द टेम्परेचर एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इसके बाद हम मेचोरिटी डिवाइस कनेक्ट करेंगे और एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर टेम्परेचर को नोट करते रहेंगे एंड साइमल्टेनियसली नोट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट एज ऑफ वन थ्री सेवन फोर्टीन एंड ट्वेंटी एट डेज पर्टिकुलर स्पेसिमेन का टेम्परेचर तो नोट करेंगे ही इसके साथ साथ

कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के ऊपर चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट के जरूर बताइएगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे एंड प्लीज शेयर एंड सपोर्ट थैंक यू